वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिक। आज हम बचे हुए चावल से नाश्ता बनाए हैं। यह नाश्ता इतना टेस्टी होता है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। हम चावल के साथ कुछ और चीज़ों को डाले हैं जिससे हमारा नाश्ता टेस्टी और हेल्थी है और यह एक कंप्लीट नाश्ता है। आइए देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारे पास चावल है, आप इसमें किसी भी प्रकार के चावल को ले सकते हैं। कोई लंबा या बासमती चावल की जरूरत नहीं है। चावल को हम मैश कर लेंगे। इसको हमें पीसना है। वैसे तो बचे हुए चावल को कोई खाना नहीं चाहता है, लेकिन आज इससे नाश्ता हम बनाएंगे जिसको सभी पसंद करेंगे। चावल के साथ हम दही लेंगे। एक कटोरी चावल में हम एक कटोरी दही लेंगे और इनको मिलाकर हम इनका पेस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो कम दही में भी इनका पेस्ट बना सकते हैं। एक जार में हम चावल डालेंगे और उसमें हम दही डाल देंगे और दही के साथ इनको हम पीस लेंगे। पीस कर इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। आप कोशिश करें कि चावल को दही के साथ ही पीसें, जिससे यह काफ़ी टेस्टी और सॉफ्ट हमारा चीला बनता है। इस तरीके से हम पीस कर इनका पेस्ट बना लिए हैं। इसमें हम एक कटोरी सूजी डालेंगे। इसमें सूजी जरूरी है। सूजी एक बाइंडिंग का काम करता है। सिर्फ चावल और दही के साथ हम पीस कर एक चीला नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसमें हम सूजी को डालते हैं और सूजी को मिक्स करेंगे और मिक्स करके इनको 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे सूजी भी चावल के साथ फूल जाए। 10 मिनट के लिए हमने रख दिया था। यह काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी इसको पतला करने से पहले इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्चा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। आप चाहें तो और सब्जियों को भी इसमें मिला सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इन सबको हम मिक्स करेंगे। सब्जियां और नमक के साथ यह कुछ ढीला हो जाते हैं, तब इसमें हम पानी मिलाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ पानी डालते हैं, जिससे यह कुछ पतला हो जाए और हमारा चीला आराम से बन जाए। पानी डालने के बाद इनको हम मिक्स करेंगे। यह चम्मच से ड्रॉप करने पर आराम से ड्रॉप हो जा रहे हैं। हमें इतना ही पतला चीला का तैयारी करना है। इस तरीके से हम न ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना इनको ज़्यादा पतला रखेंगे। एक पैन में हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे यह अच्छे तरीके से कुक हो और क्रिस्पी हो। पैन को हम गर्म होने देंगे, तब इसमें हम एक कलछल घोल को डाल देते हैं और इनको फैलाकर गोल बनाएंगे। ध्यान रखें कि इसको ज़्यादा पतला ना बनाएं। पतला बनाने पर यह बंद हो जाता है, लेकिन यह पलटते समय बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। पके हुए चावल के और दही के वजह से यह काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको कुछ मोटा बनाएं, जिससे यह आराम से कुक हो जाता है। जब यह ऊपर से ड्राई हो जाएगा, तब उस पर हम कुछ बूंद ऑयल डालेंगे और इनको पलट लेंगे, जिससे यह दूसरे तरफ से भी क्रिस्पी हो। इनको हम लो और मीडियम फ्लेम के बीच में रखेंगे, जिससे यह क्रिस्पी भी हो जाते हैं और अच्छे से पक भी जाते हैं। इस तरीके से चीला को हम बना लेते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपका चीला पैन पर नहीं बन पा रहा है, तो उसमें सूजी की कमी है, उसमें और सूजी डालें और सूजी डालकर इनको बनाएं, जिससे यह आराम से बन जाता है। यह बहुत ही टेस्टी और हेल्थी नाश्ता है, जिसको आप बार बार बनाना चाहेंगे। एक बार बनाने के बाद यह इतना अच्छा खाने में लगता है कि इसको आप दोबारा जरूर बनाएंगे। इस तरीके से हम नाश्ता को अपने प्लेट में निकाल लिए हैं। यह काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। आप इसको चाहे ऐसे खा लें या किसी भी अपने मनपसंद चटनी के साथ खाना चाहें तो खाएं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।